हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस एनी टेन चैनल पे। मैं हूँ शांतनु, आप देख रहे हो मेरे साथ एनी टेन। आज मैं बात करूँगा मास्टरों के बारे में। मैं एक फ्रेंड के घर गया था, वहाँ पे उसका नया जो एक नया स्कूटी लिया था, तो उसका ही एक रिव्यू करके आप लोगों का दिखाऊंगा। तो कैसा है, उसका स्पीड कितना है, उसका टैंक कैपेसिटी कितना है, उसका माइलेज कितना है, उसका ग्राफिक्स कितना है, यही सब कुछ। तो इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अगर इसका लुकिंग के बारे में बात करूँ तो इसका लुकिंग जो है बहुत अच्छा है। सामने से इसका हेडलाइट तो उसका हैंडल में दिया हुआ है, दोनों तरफ इंडिकेटर दिया है, और इसका जो टायर है वो ट्यूबलेस टायर है। और इसके बाद मैं इसका बात करूँ तो इसका फ्रंट लुकिंग जो है तो बहुत अच्छा है। इसका सामने जो ग्राफिक्स भी है दिया है सीट के सामने, वो भी बहुत अच्छे, आप वहाँ पर कुछ कैरी भी कर सकते हैं। और इसका जो BS4 का है मास्टर एच का, और बैक साइड भी देखा हो तो आप को तो इसका बैक साइड भी बहुत अच्छा है। इसका जो हीरो जहाँ पे लिखा है वहाँ पे इसका टैंक है पेट्रोल का, मैं इसको बाद में खोल कर दिखाता हूँ। और इसका जो इंजन है BS4 का इंजन है, और इसका जो साइलेंसर है वो भी बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है। और इसका मैं स्विच के बारे में बात करूँ, क्या कहा है ये जो स्विच है, ये है हेडलाइट का स्विच। उसके नीच में ही है इंडिकेटर का स्विच, मैं इंडिकेटर को ऑन करके दिखाता हूँ। देखा, ऑन हो गया। और उसके नीच में है हॉर्न, जो स्कूटी का हॉर्न है उसका स्विच। इस आपका दाहिने तरफ होगा उसका सेल्फ, जो स्टार्ट करने के लिए काम आता है। मैं दिखा देता हूँ कौन सा सेल्फ है। देखा है, सेल्फ है। मैं तो चाबी ऑन नहीं कर रहा हूँ इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उसके बाद इसका स्पीड के बारे में बात करूँ, इसका स्पीड है 120। इसका इंजन यहाँ पे है, पीछे का टायर भी बहुत बढ़िया दिया है। दोस्तों, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इसका जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका सामने, उसके ऊपर में यहाँ पे एक कैरी करने के लिए जगह दिया है, आप बैग या जो भी हो कैरी कर सकते हो। चाबी को थोड़ा सा इधर खुलने से आपका जो पेट्रोल टैंक है वो ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ पेट्रोल का टैंक, और यहाँ पे 120 का काटा है, ये डिजिटल नहीं है, डिजिटल काट नहीं दिया है इसके अंदर। ये है पेट्रोल टैंक, ये यहाँ पे आपका 5.5 का टैंक दिया है, एक बेसिक्स 5.3 है, 5.5 नहीं है। ये चाबी से बंद हो गया, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझको। और इसका सीट का, इसका जो हॉर्न है वो बहुत स्लो है, मैं यूज़ कर रहा बड़ा, लेकिन इसका हॉर्न बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है ठीक है। इसका हॉर्न आप मैनुअल भी चेंज कर सकते हो। ये इसका ब्रेक है, और यहाँ पे इसका क्लच आपका ऑन करना होगा, तो पहले इसको पकड़ के उसके बाद स्टार्ट मारने से ऑन होगा। मैं आपका सीट खुल के दिखाता हूँ, सीट के अंदर बहुत ग्राफिक्स है, हेलमेट रखा रख सकते हो, और भी कुछ चार्ज भी दे सकते हो इसके अंदर दिया है। तो हर तरफ से मुझे लगा होंडा मास्टर एच का जो लुकिंग बहुत अच्छा है, और इसका जो माइलेज है वो भी बहुत अच्छा है। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। तो भाई नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।